सभी का मैं संदीप तोमर स्वागत करता हूं हमारे खास कार्यक्रम मुद्दा, जिसके तहत हम उठा रहे हैं रुड़की लावारिस क्यों राजनीतिक रूप से। आज हमारे बीच हैं भाजपा से वरिष्ठ नेता हैं सुनील सहानी जी, पूर्वी मंडल के अध्यक्ष हैं, आपका स्वागत है। सुभाष सैनी जी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार एवं लोकतांत्रिक जनमोर्चा संगठन जो है राजनीतिक है उसके आप संयोजक हैं, आपका स्वागत है सर। और वरिष्ठ कांग्रेस के नेता सलीम खान, आपको दरगाह क्लियर में आप रिसीवर रहे हैं और एक ईमानदार व्यक्ति के रूप में आपको पहचाना जाता है। आज जैसा कि पिछले बृहस्पतिवार हमने आपको मुद्दों से अवगत कराया था कि रुड़की लावारिस क्यों राजनीतिक रूप से, तो जिले का मुद्दा है डेंगू चिकनगुनिया, ये बीमारी जिस तरह से महामारी की तरह मैं कहूँगा फैली है वो मुद्दा है, और शहर में विकास कार्यों का मुद्दा, मूल रूप से तीन ये विषय हैं, इन पर आज हम चर्चा करेंगे। और सबसे पहले मैं बात करूँगा इस कड़ी में जिले के मुद्दे की, तो पहली तो मैं प्रतिक्रिया चाहूँगा सुभाष सैनी जी से, चूँकि जिले के लिए उनको पहचाना जाता है, कई बार वो रैली आंदोलन इस तरह कर चुके हैं, हाल फिलहाल अभी कोई गतिविधि उनकी ताज़ा नहीं हुई है, लेकिन उन्हें सरकार चाहे कांग्रेस की रही हो या फिर भाजपा की रही हो लगातार इस मुद्दे को उठाया, तो आपकी मैं इस पर राय जानना चाहूँगा सैनी जी। देखिए उत्तराखंड को बने 16 साल पूरे हो चुके हैं, 17वें साल में हम चल रहे हैं। जहाँ तक रुड़की ज़िले की बात है तो रुड़की ज़िला बीजेपी के एजेंडे में तो नहीं है, कम से कम कई बार बात हुई हमारे उच्च स्तरीय नेताओं से, और कांग्रेस भी इसे ये पिछली बार जब हरीश रावत जी आए तो लगता था कि शायद वो इसे वजूद में ले आवे, लेकिन वहाँ भी फिर बीजेपी की राजनीति ही अड़े आई, वो अपने चार जिलों के लिए अड़ गए, और लोकल भी जो नेतृत्व है राजनीतिक वो भी इसमें कहीं ज़्यादा सक्रिय रूप से हमारे साथ नहीं रहा। मैं सैनी जी की बात को आगे बढ़ाऊंगा, सहानी जी और खान साहब ये जोड़ते हुए कि अभी आपने कहा कि बीजेपी के एजेंडे में नहीं है, फिर मैं कांग्रेस की भी बात करूंगा। मेरा कहना है कि ये कह रहे हैं आपके एजेंडे में नहीं है, ये तो आप अभी बताएंगे, लेकिन मैं जोड़ दूँ आपको भी, मैं सैनी जी जानकारी दूँ कि बीजेपी या कांग्रेस दोनों ने संगठन के लिहाज से तो जिले बनाए, हरिद्वार अलग किया, आपके यहाँ एकत्र हो गया है, हरिद्वार अलग किया जा रहा है, लेकिन दोनों ने संगठन में आपके यहाँ भी बनाए गए, पर जहाँ इनका आरोप आप पर है तो मुझे लगता है कांग्रेस ने भी कोई खास तरजीह नहीं दी, इसमें बाद में आपसे चाहूँगा, पहले आप अपना विचार रखें। देखिएगा माननीय हरीश रावत जी जब मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने जिन जिलों के अस्तित्व की बात करी थी वो जिले आज तक अस्तित्व में नहीं आए, एक उनकी ढोर कल्पना थी, मात्र कल्पना थी, जनता को भ्रमित करने का एक प्रयास था और उससे जनता को भ्रमित किया, उनकी सोच मुझे नहीं लगता कि नए जिलों के विकास के लिए रही होगी। जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी का प्रश्न है, क्योंकि 2016 तक प्रदेश जो है अभी बहुत सारे संसाधनों की कमी प्रदेश को है, हम लोग कोई कोरा वादा नहीं करना चाहते जिससे कि कोरा वादा करके जनता को भ्रमित करने का प्रयास करें। जिस समय जिले का गठन की प्रक्रिया का हम लोग विचार करेंगे तो हम लोग उस पर तुरंत कार्रवाई करेंगे और तुरंत उसे अमल में लाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। मैं आपकी बात रोक रहा हूँ, आप कह रहे हैं पूरा वादा नहीं करेंगे जी, और कांग्रेस ने किया जी, खोखले वादा किया जिले को लेकर जी, लेकिन ये निशंक जी ने भी किया आपकी सरकार में, जब निशंक जी मुख्यमंत्री थे जी वो भी कई जिलों के वायदे कर गए, लेकिन सरकार चली गई फिर नहीं बन पाए। मुझे नहीं लगता शायद उसमें रुड़की को जिले बनाने के लिए निशंक ने वादा किया, सवाल चलिए रुड़की का नहीं लेकिन जिलों के लिए तो उन्होंने बात की, जिलों के लिए उन्होंने बात जरूर की, लेकिन जिलों की कोरी कल्पना उन्होंने नहीं की, उन्होंने किसी भी क्षेत्र को जिले के रूप में विकसित करने की बात नहीं की, और हमारी सरकार भी चाहती है कि जरूर उत्तराखंड में नए जिलों का विसर्जन हो, ऐसा नहीं है कि हम लोग नहीं चाहते, लेकिन मैंने आपको कहा कि उत्तराखंड राज्य क्योंकि नवसृजित राज्य है और नवसृजित राज्य में अभी संसाधनों की बहुत कमी है, हमें अभी बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पर हमें डेवलपमेंट, हम उस फेस में हैं कि उन्हें डेवलपमेंट करना है, और आने वाले वर्षों में निश्चित रूप से रुड़की नहीं उत्तराखंड के अन्य बहुत सारे क्षेत्र जो है जिलों के रूप में विकसित होंगे, मेरा ऐसा मानना है। आपने कहा कि सरकार चाहती है, पर जब हम यहाँ लोकल संगठन की बात करते हैं, आप पूर्वी मंडल के अध्यक्ष हैं जी, और तो संगठन क्या कर रहा है, संगठन ने अगर ये वो निशंक जी नहीं कह पाए या बाद में आपकी जो सरकार रही वो नहीं कह पाए जी, तो आप यानी आपने नहीं उठाया है? नहीं नहीं ऐसा नहीं है, राजनीतिक संगठन लगातार उठा, हमारी जरूर इच्छा है और हमने आपके संगठन का हमने समर्थन भी किया है,
और हम अपने प्रदेश स्तर पे भी हम इस बात को उठाते हैं, जनता की मांग है ये। ये ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी की मांग हो, ये पूरे रुड़की से हर नागरिक हर कार्यकर्ता की मांग है कि रुड़की जिला बने और रुड़की को निश्चित रूप से जिला होना चाहिए। लेकिन मैंने आपसे फिर कहा बहुत सारी चीज़ें जो सरकारी तौर पर तय की जाती हैं, हम संगठन के तौर पर निर्णय ले सकते हैं लेकिन सरकार को ही निर्णय लेना है। तो इसमें यही है कि आने वाले भविष्य में रुड़की निश्चित रूप से जिला बनेगा। खान साहब, मैं आप पर आऊँगा इसी सवाल को लेकर, वही सवाल है और फिर सरकार संगठन है वो बदल गया और आरोप भी वही है कि यानी कांग्रेस की सरकार भी रही, इन्होंने आरोप लगा दिया कि पूरे वायदे हुए पर संगठन जो है तो उसने भी यहाँ से नहीं उठाया, क्योंकि सरकार ने कोई मूवमेंट नहीं किया ऐसा कि रुड़की जिले के लिए कोई बात आई हो। जी, अभी जो मेरे दोस्त शाहनी जी ने कहा उनकी बात में बिल्कुल सत्यता है कि हम पार्टी लेवल पर तो जो पार्टी कहेगी उस लाइन से बने होते हैं, जो सरकार चाहेगी वो होगा, मगर वास्तविकता ये है कि रुड़की को बहुत पहले ज़िला हो जाना चाहिए था। रुड़की एक हमारा ऐसा इम्पोर्टेंट, आज से नहीं बहुत पुराने आदिकाल से, जब से समझ लिया ब्रिटिश पीरियड था तब से यहाँ जुडिशल मजिस्ट्रेट का अपॉइंटमेंट होता था। कोई तहसील ऐसी नहीं है जहाँ एसडीएम के साथ जुडिशल मजिस्ट्रेट रैंक का आदमी या अधिकारी इसको संभालता हो। IRI, CBRI, अपना BEG सेंटर, तमाम संसाधन मौजूद हैं, इतने संसाधन, इतनी बिल्डिंग्स यहाँ पर, वर्ल्ड बैंक की बिल्डिंग यहाँ बनी हुई है, यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर इतना है जिसका कोई हिसाब नहीं। मगर वास्तविकता ये है कि हम लोग जब संगठन के मामले में आते हैं तो हम रुड़की का खेत भूल जाते हैं। ये हमारी बहुत बड़ी भूल है, बहुत बड़ी कमी है, बहुत बड़ी गलती है। रहा यहाँ पर जो हमारा पिछला जो उसको उठाकर देखें, ये काम होता है हमारे जनप्रतिनिधियों का, मगर चूंकि वो सब अपनी अपनी पार्टी से बंधे हुए होते हैं। यहाँ पर BHL फैक्ट्री लगी हरिद्वार में, उसका जो प्रस्तावित था वो झबरेड़ा और मंगलौर के बीच में था, मगर उस वक्त के सांसद जो थे, चूँकि हमारा एरिया आता था देहरादून में, देहरादून पूर्वा देहरादून कहलाता था, स्वामी जी यहाँ पर सांसद हुआ करते थे, वो उसको वहाँ उठा कर ले गए। रुड़की का सबसे पहला ऐसे तो बहुत आपकी बात से मतलब इतना अहित हुए हैं रुड़की के कि जिसका कोई हिसाब नहीं है। उसकी वजह ये भी है भाई, रुड़की के अंदर बदकिस्मती हमारी ये है कि रुड़की एक छोटा सा गांव से डेवलप होना शुरू हुआ, यहाँ के जो मकामी लोग हैं वो बहुत कम हैं, यहाँ पर जो लोग हैं सब ज़्यादातर बाहर से आए हुए हैं, उन्हें इस तरह से यहाँ पर लगाव पैदा नहीं हो पाया। यहाँ पर हमारे बराबर में बैठे हैं सैनी साहब, इन्होंने एक एजिटेशन पार्टी लेवल से ऊपर उठकर किया। इससे पहले हमारे एक पत्रा जी प्रदीप नारायण बर्तर साहब थे, वो संघर्षशील थे, प्रताप नारायण बर्तर साहब थे, वो संघर्षशील थे। उससे पहले हमारे बहुत से विधायक मंत्री शहीद रहे मगर रुड़ के लिए कोई सिंसियर नहीं हुआ। इन दो आदमियों के, बर्तर साहब और सैनी साहब, इनका मैं कहूँगा रुड़की वाले ने साथ उस तरह से नहीं दिया जिस तरह हमें देना चाहिए था। हम लोग ये वास्तव में चाहते हैं कि रुड़की का भला हो, मगर जब कोई आवाज़ उठाता उसका साथ नहीं देते, ये हमारी दुर्भाग्य। सैनी जी, मैं देखिए खान साहब की साफ गोई को सब जानते हैं, उन्होंने भी कहा संगठन के भी जो दोष हैं उन्होंने स्वीकार कर लिया। आपने भी भाजपा को कहा तो आपसे इस पर कमेंट आपसे भी चाहूँगा ताजा, जो जिले को लेकर अब आपको क्या लगता है, क्या ये जो हमारे सभी दल हैं इन्हें एक मंच पर दलगत भावना के ऊपर उठ कर आना चाहिए? नहीं, हमारे लोकतांत्रिक जनमोर्चे का तो मूल में यदि हम जा तो उसमें सभी पार्टियों के ही लोग हैं, कोई अलग से, ये शहर के लोग ही तो मोर्चे में हैं और सभी दलों से जुड़े हुए हैं। वो खान साहब, साहनी जी, इन लोगों की भावनाएं जुड़ के ही तो लोकतांत्रिक जनमोर्चा यो अराजनीतिक है। तो अराजनीतिक इसीलिए तो है कि राजनीति में यदि ये जहाँ ये दबते हों, जहाँ इनकी राजनीतिक प्रतिबद्धताएँ सामने आती हों, वो अराजनीतिक होकर नहीं आने की। तो हम तो चाहते हैं कि ये लोग किसी न किसी रूप में इस संगठन के साथ जुड़ के इस आवाज़ को बुलंद करें। मैं तो कह रहा हूँ कि हमारा जो रुड़की का सहयोग मिलना चाहिए सैनी साहब को, सैनी साहब आशा करते हैं नहीं पा रहा। सैनी साहब भाव से आगे बढ़ेंगे, मैं अपनी बात को फिर आगे बढ़ा रहा हूँ। मैं आ रहा हूँ ADB जी। ADB कितना बड़ा जी का जंजाल बना जी, जी, जी। शहर के अंदर आपने देखा सड़कें खुदी रही जी, और तमाम मैं समझता हूँ कि सांस के रोगी, सबसे पहले तो सांस के रोगी धूल के कारण जो स्थिति रही, कितनी मौत हुई, कहीं बच्चे रामपुर में बच्चा गिर गया, फिर मालवीय चौक पर कितनी कई मौतें हुई, ये सब चीज़ें, और आपकी सरकार रहते ये सब इतनी धीमी गति। और फिर इसी में मैं जोड़ रहा हूँ, इधर नहर का भी मसला है, ये नहर का जो जल भराव ठहराव रहता है उससे जो मच्छरों की आव हो रही है, और डेंगू पिछले साल मैं समझता हूँ 100 से ज़्यादा लोग शहर में डेंगू की वजह से जिनकी जान गई, और इस बार तो ये नवंबर तक अभी भी डेंगू चल रहा है, ये सब। तो ये मुद्दे जो हैं, जब ज़रूरत थी आप लोगों की तब आप कहाँ थे? नहीं, ऐसा नहीं है, ADB के जो कार्य किया है, क्योंकि वो कार्य वो रुड़की शहर के डेवलपमेंट के लिए वो कार्य कर रहे हैं, प्रोजेक्ट जो है वो रुड़की के डेवलपमेंट के लिए ही है।
लेकिन उस बहुत बड़ा प्रोजेक्ट तो नहीं पड़ा है, लेकिन टाइमली नहीं हुआ ना, वो टाइमली नहीं हो पाया, जो समय निर्धारण था उन समय निर्धारण में वो कार्य नहीं कर पाए। और हम लोग भी जहाँ तक बात करें भारतीय जनता पार्टी की, मैंने अपने स्तर पर अपने संगठन के स्तर पर उनकी हर हफ्ते मॉनिटरिंग करी है और मैं उन्हें हर बार उनके साथ बैठे हैं समस्याओं को लेकर, फिर भी समस्याएं आई हैं क्योंकि शहर एक बहुत ही, इस समय जनसंख्या के आधार पर देखें तो शहर का पूरा जो ढांचा है वो इस समय शहर के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर है। और बीच में दिवाली का त्यौहार था, तमाम सड़कें शहर की खुद चुकी थी, लेकिन समय सीमा जो जनवरी में उनकी मर्याद खत्म हो रही थी। साहब मैं आपको बात रोक रहा हूँ, माफ कीजिएगा, आज भी स्थिति यह है कि जो सड़क बन गई बिल्कुल, जिनकी उन्होंने कहते हैं कि एनओसी ले ली और सड़क बना दी गई, गणेशपुर में आ जाइए आप रेलवे रोड पर, वहाँ बनी हुई सड़क के ऊपर खुदाई कर दी गई जी। तो आप कह रहे हैं मॉनिटरिंग कर रहे हैं, अगर आप मॉनिटरिंग कर रहे हैं तो ये फिर ये सब क्यों हो रहा है? नहीं, मैंने आपसे कहा कि बहुत सारी चीज़ें फिर भी उसमें रह गई हैं और बार बार हमने उनको सचेत भी किया है। ऐसा मैं ये उनको मैं 100 में से 100 नंबर नहीं दे रहा हूँ, वो तो 100 में से 40 नंबर के हकदार भी नहीं है। अगर आज की तारीख में एशियन डेवलपमेंट बैंक के कोई प्रोजेक्ट की बात होगी तो मैं सरकार से खुद ही संतुष्टि करूँगा और मैंने ही जिलाधिकारी से और अपने संगठन से ये मांग करी थी कि हाथ जोड़ रहा हूँ रुड़की के भविष्य को लेकर, कृपया ADB वालों को रुड़की से भगा दें, जो भी होगा हम खुद सहन कर लेंगे। क्योंकि रुड़की का हर जनता का हर आदमी इतना त्रस्त हो चुका था इनके कार्यों से, इन्होंने रुड़की की, आपने कहा सांस की बीमारियां, कई सारे लोगों की जान गई, तो बहुत सारे अनेक विषय थे संदीप जी। मैं भी उतना ही ग्रसित था उनके कारण, शहर के अंदर रोज जाम लगता था और आज भी वही स्थिति है जी। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ कि प्रोजेक्ट जनवरी में ख़त्म होना है और उस समय बहुत कम है, तो अब ये है कि जितना जल्दी हो सके ये कार्य खत्म हो, खत्म होने पर ही है, लेकिन सड़कों का कुछ काम शेष है और 1 महीने 1.5 महीने वो कार्य भी पूरा हो जाएगा। और हो सकता है क्योंकि इतनी बड़ी बीमारी हमारे शहर में थी, उसका इलाज भी इन्होंने किया, इलाज करने के बाद हो सकता है हमें कुछ इसका आराम मिले और हमें देखते हैं ये आपकी, मैं आशा करता हूँ खान साहब आप नहीं, मगर कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं भाई शहर के लिए, ख़ास तौर से ADB का मजबूरी है, जब खुदाई होगी सब कुछ होगा, इसको हम सहन करें, इसके फ़ायदे भी हमें होंगे, मगर साथ में ये भी है कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसको कहां तक सहन करें, सवाल नहीं है ना, मैं कहा वो गलत है, मगर उसके कल जब तक वो टेंडर ले रहे हैं तो मैं और आगे बढ़ रहा हूँ। कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं जिसको हम कर सकते हैं, जहाँ ADB आड़े नहीं आती। हमारे यहाँ से हमारा बचपन जब गुजरा, हमने देखा ये तमाम सिविल लाइन और सब साथ में बना, यहाँ से पूरे शहर के हमारे जो सिविल, मतलब सिविल सोसाइटी थी या जो अच्छे वृद्ध लोग थे, जवान युवा लेडीज जेंट्स सब नहर के किनारे किनारे अक्सर घूमने जाया करते थे मेवड़ तक। आज आपकी हालत ये, अगर आप सोलानी तक जाएंगे तो आपको मच्छर खा के, ये किसकी कमी है? ये हमारे जनप्रतिनिधित्व की कमी है, चाहे उसमें कोई सा भी हो, चाहे हमारा लोकल हो चाहे हमारा हो, क्यों नहीं है उसके ऊपर? अगर ये इरीगेशन का डिपार्टमेंट की कमी है तो उनके ऊपर क्यों नहीं दबाव बनाया जाता? अगर नगर पालिका कमी है वो क्यों नहीं साफ़ कर रहे? हमारे चारों तरफ से रिंग रोड बनना चाहिए। आज रुड़की की पॉपुलेशन बढ़ रही है, मगर वहाँ मजबूर हैं, वहाँ नहीं जा सकते, मगर हम गवर्नमेंट को वो तो कर सकते हैं। गवर्नमेंट बनता हुआ भी पता नहीं, मेरे ख्याल 5-6 साल हो गए, सुनने में आया था कि पिछले कुंभ में तैयार हो जाएगा, मगर अगला कुंभ आने के लिए अभी तैयारी की कोई आप संभलने की संभावनाएँ नहीं है कि 100% हो जाएगा अगले कुंभ तक। हम क्यों नहीं सोच, हम लाइट उसका रेड लाइट का जिक्र करते हैं कि साहब चौराहों के ऊपर लगी, मैंने कई बार नहीं लगी है, चल नहीं रही, मगर हमने ये महसूस किया कि रुड़की के अंदर कई जगह तो लाइटों की जरूरत ही नहीं है। लाइट अक्सर मैंने रुड़की टाकिस के चौराहे पर देखा, लाइट जल गई, रेड लाइट है, उधर से ट्रैफिक आ रहा, वो खड़ा हो गया क्योंकि बाहर से आना वाला ट्रैफिक है, सड़क खाली पड़ी है, मगर रेड लाइट की वजह से खड़ा। वहाँ रेड लाइट से भी ज़्यादा ज़रूरी है कि वहाँ लोगों के जो कॉम्पिटेंट जो ट्रेंड लोग हों उनकी ड्यूटी लगाई जाए और वो वहाँ को ट्रैफिक का संचालन सही तरीके से करें। अभी अभी आप चले जाए नगर पालिका, वहाँ आप कैसे आप रेड लाइट को वो कर लेंगे, मगर वहाँ जो ड्यूटी वाले हमारे लोग हैं उनके ऊपर ना हमारे अफसरान का दबाव है ना हमारा लोकल दबाव। मैं आ रहा हूँ, जो बहुत बड़ी कमी है वो हमारे इसी पर आऊँगा। अभी जैसे 17 साल का ये पूरा है, इसी में जोड़ते हुए, चूँकि मानव स्वस्थ रहे, डेंगू ना फैले, ये भी एक विकास है, फिर हम इसी में विकास को जोड़ते हुए आपका कमेंट लेंगे। ये जो शहर में डेवलपमेंट की बात करते हैं, पिछले 17 साल जो उत्तराखंड बनने के बाद की बात करें तो एक पुल, सिर्फ एक पुल, जब शहर की जनसंख्या 20-30 हज़ार कभी रही होगी तब 2 पुल और आज 3 लाख के लगभग पहुँच रहे हैं, तो सिर्फ एक पुल। आप क्या कहेंगे सनी जी, आप बताइए आप क्या कहेंगे कि भाजपा और कांग्रेस, इनके लिए अभी फिर वही सवाल घूम फिर कर वहीं आता है, आप ये हंसी फत मेरी बात को देखिए, बात वही है, कहीं ना कहीं बात वही आ रही है जी। तो और फिर खान साहब साहब को इसे कह रहे हैं, तो आप इस पर क्या कमेंट देंगे, क्या देंगे, क्या कमेंट देंगे? देखिए इसका हल मुझे नहीं लगता निकलेगा। अच्छा इसी में मैं जोड़ रहा हूँ, अगर पुल है तो पुल पर भी, पहले तो पुल वो गिर गया, फिर पुल बनता है तो उस पर राजनीति,
और स्थिति यह है कि इधर आप साफ कोई है तो उधर वहाँ भाजपा में भी साफ कोई रहे कि पुल के नाम को लेकर राजनीति, ये चीज़ आप इस पर आप। पहले जब उत्तराखंड वजूद में नहीं आया था तो नगर के काम नगर पालिका से और विधानसभा क्षेत्र हुआ करता था विधायक, वही स्थिति आज भी, लेकिन आज विधानसभा क्षेत्र और नगर पालिका क्षेत्र बराबर ही हो रहा। वो राजनीति आप एक तरह से आप ये कह दिए कि वो तो लखनऊ दूर था, यहाँ देहरादून नज़दीक है, लेकिन सोच भी हमने उतनी छोटी कर ली जैसे हमारे क्षेत्र छोटे हैं। और यदि हम इसे थोड़ा सोच को बड़ी करें और ये सोचें कि रुड़की हित, देखिए हिंदू हित और मुस्लिम हित, इसे अलग कर लो आप रुड़की हित पर जब बात करेंगे तो रुड़की हित के लिए मुझे नहीं लगता कि यहाँ कोई भी, आप जनप्रतिनिधि को देख लो, जनप्रतिनिधि चुने नहीं जा रहे, अब तो धन प्रतिनिधि चुने जा रहे हैं, जनप्रतिनिधि नहीं है, अब धन आ गया जनप्रतिनिधि, ये उत्तराखंड बनने के बाद हुआ। तो हम ये मान लें कि जो रुड़की लावारिस है वो इसीलिए है कि एक राजनीतिक जो मजबूत नेतृत्व चाहिए, शायद वो हमें नहीं मिल पा रहा, खत्म हो गया, अब इन्वेस्टर आ गए पॉलिटिक्स में, इस तरह का एक माहौल जो शहर में हो रहा है। और जैसे अब ये बुध बाजार अतिक्रमण, ये मसले भी हैं, मैं समझता हूँ जहाँ ये भाजपा या कांग्रेस की आप बात करते हैं ना तो यहाँ एक हो जाते हैं सब, कोई अधिकारी अतिक्रमण हटाने चलते हैं तो सब भाजपा और कांग्रेस एक हो जाते हैं और फिर उनकी शिकायतें होती हैं। नहीं देखिएगा, जहाँ तक बुध बाजार का सवाल है, अतिक्रमण का सवाल है, अतिक्रमण बहुत गलत है, नहीं होना चाहिए, मगर अतिक्रमण नहीं होना चाहिए। खेली से अतिक्रमण अगर आप माने और चीज़ों पक्का कंस्ट्रक्शन करते उसे आप ना माने, ये गलत बात है। अगर अतिक्रमण किस मैंने किया है, पक्की दुकान बनाई, मैं भी गलत हूँ, एक ठेली वाला तो चला जाएगा। और रहा बुध बाजार का सवाल, गरीब लोग हैं, अगर उनको खाने की समस्या पैदा कर दी गई तो उसका परिणाम कौन भुगतेगा? उसका आम समाज भुगतेगा, वो लोग क्राइम करेंगे, वो लोग लूटपाट करेंगे, रोटी सबको चाहिए। तो हमें योजना बनाते समय या कोई भी कानून लागू करते समय उसको भी सोचना ज़रूरी है। और अगर हम वो नहीं सोचेंगे, सिर्फ अपना, अब जैसे मेरे भाई ने हिंदू मुस्लिम की बात की, मैं बड़ी साफगोई के साथ एक बात कहना चाहता हूँ, हमारा नगर का विस्तार हुआ, नगर निगम बना, मगर हमने जो ऐड किए एरिए उसको कितना दुर्भाग्य है कि हम उनको उस निगाह से देख रहे हैं। कुछ लोग चाहते हैं कि हम उसको मुस्लिम एरिया इसलिए शामिल कराएं कि मुस्लिम वहाँ ज़्यादा हो जाए, और कुछ लोग ये कहते हैं इसको निकाल दिया कि मुस्लिम कम, भाई ये कितना मजाक, कितना दुर्भाग्य है। नहीं देखिए, रामपुर का क्षेत्र प्रधान, वहाँ की क्षेत्र की जनता, वहाँ एक आदमी एक आदमी अगर कोई खड़ा होकर पैसे लेकर गलत बात करता है और आम समाज उसके हित में है, हमें खुद भी देखना है, रुड़की वासियों को देखना है। अगर हमारा निगम बन रहा है तो उसके अंदर पॉपुलेशन कितनी होनी चाहिए, हमें बिल्कुल नजर नहीं। हम तो उस चीज़ को अजीब तरीके से ले रहे हैं। हमें जब तक, देखिए यहाँ हमारी होश के साथ हम अपना बता दें आपको, जगदीश नारायण सिन्हा साहब ने देखा, बहुत साधारण व्यक्ति थे, पूर्व मंत्री रहे, बहुत उनका आज उनके नाम से यहाँ पर हॉस्पिटल भी बना हुआ है, बहुत अच्छे इंसान थे, प्रोग्रेस हो रही थी शहर के, छोटा शहर था। उसके बाद यहाँ पर हमारे राम सिंह सैनी साहब भी आए, पृथ्वी विकसित जी भी आए, काजी जी भी आए, प्रदीप बत्रा जी भी आए, मतलब जनप्रतिनिधि बहुत आए। इसी तरह चेयरमैनी में अग्रवाल साहब आए, हमारे राजेश गर्ग जी आए, दिनेश कौशिक रहे, बत्रा जी रहे, सबकी अपनी अपनी सोच है, राणा जी का अपना व्यू है, सबका अपना सोच है, मगर जब हमारा व्यू ये होगा कि हमें अपने शहर को विजन के साथ हम सोच के आगे बढ़ाने की सोचेंगे तो आगे बढ़ेगा। अगर हमारा सिर्फ इतनी सोच होगी कि हमें अपनी मतलब अपने आप को चुनाव जिताना है, शहर जाए गलत में, आगे हमें वो काम करना है जो हमारा, तो वो भाई सब कुछ नहीं होगा। हमें अपना जो है विजन क्लियर करके दूरअंदेशी के साथ काम करना होगा, हमें ईमानदारी के साथ रुड़की हित को सर्वोपरि रख के, हमें समाज हित को सर्वोपरि करके, यहाँ हर चीज़ का मतलब मैं समझता नहीं। रुड़की ने हमारे ऐसे ऐसे व्यक्तित्व यहाँ पर दिए, BHL के जो चेयरमैन है वो रुड़की से ताल्लुक था, हर्षवर्धन भटनागर, आर डोवाल साहब रुड़की से ताल्लुक है उनका, कहाँ बैठ, और रुड़की में ऐसी ऐसी शख्सियतें पैदा हुई हैं जिसका मतलब आप वर्ल्ड लेवल के ऊपर चमके हैं, मगर दुर्भाग्य ये है यहाँ पर हम कभी भी ऐसा प्रतिनिधित्व नहीं दे पाए जिसने दूरअंदेशी के साथ रुड़की डेवलपमेंट किया। जी, सर्वे ड्राइंग को लेकर पूरे विश्व में पहचान रखने वाला रुड़की शहर, इंजीनियरिंग के मामले में बेमिसाल पहचान रखने वाला शहर, IIT रुड़की के रूप में जाने वाला शहर, आज क्या इंजीनियरिंग है विकास को लेकर उस शहर की सबके सामने है। इस मुद्दे पर हमने विचार लिए अपने सम्मानित जनप्रतिनिधियों के, और लावारिस क्यों है रुड़की, इस मुद्दे पर कुल मिलाकर एक बात जो निकल कर आई कि सबसे महत्वपूर्ण है रुड़की हित,
संगठन हित और अन्य तमाम हित हमें छोड़ने होंगे, रुड़की हित की बात करनी होगी, तभी शायद शहर विकास की ओर गति पकड़ेगा। ऐसी आशा के साथ अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी दैनिक रुड़की पर, रुड़की लावारिस क्यों में। नमस्कार, धन्यवाद। देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और बेल आइकन दबाना ना भूलें।